नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई मुहर्रम का पर्व तजिया मेला। असामाजिक तत्वों पर शिकारपुर पुलिस की रही पैनी नजर। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम त्योहार संपन्न हुआ। वही डीके शिकारपुर गांव में मुहर्रम का खेल का उद्घाटन पंचायत के समाज सेवी टुना राव और प्रमोद पटेल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कमेटी के सदस्यों ने दोनों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। समाज सेवी प्रमोद पटेल और टुना राव ने संबोधित करते हुए कहा कि मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना है। इसी महीने से इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। इस पर्व को सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं खिलाड़ियों ने अपने हेरंट एंगेज करतब दिखाकर लोगों का खूब उत्साह बढ़ाया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ी और कमेटी के लोगों को सम्मानित करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। वहीं नरकटियागंज में कई स्थानों पर बांध से ब्रिकेटिंग किया गया, जहां शिकारपुर पुलिस मौजूद रही, जिससे जुलूस को नियंत्रण में रखते हुए शहर में प्रवेश नहीं कराया जा सके और वो अपने मार्ग से मेला स्थल तक पहुंच सके। वहीं सभी स्थानों से एक साथ मुहर्रम का जुलूस निकलते हुए धूमनगर के कब्रिस्तान के पास पहुंचा, जहां खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया। वहीं शिकारपुर पुलिस बड़ी ही मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण तरीका से जुलूस में किसी प्रकार का हुदंगई नहीं हो उस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी हुई थी। वहीं सभी जुलूस अपने अपने मार्गों से शांतिपूर्ण तरीका से धूमनगर कब्रिस्तान के पास पहुंचे, जहां जुलूस का समापन हुआ। वहीं मेला में दुकानदार मिठाई सहित बच्चों के खेलने के लिए खिलौने का दुकान लगाए हुए थे, जहां बच्चे सहित शहर के लोगों ने मेले का आनंद लिया। न्यूज 9 टाइम्स। मुस्लिम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस कमेटी को जो विगत, हमको लगता है कि 15-20 दिन पहले से यह आयोजन करा रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारे लोग चढ़ बढ़ के मुहर्रम पर्व पे अपना योगदान देते हैं। बड़े भैया को आदाब, छोटे भैया को आशीर्वाद, अच्छा सा को भी आदाब। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेल को, दोनों खिलाड़ी को खेल के भावना से खेल खेलेंगे। किसी खेल में त्रुटि हो उसको रेफरी द्वारा सुलझाया जाएगा। ये ना खेल खेले तो वो कुछ करें, उनका निर्णय वो ना सुने, मगर खेल को रेफरी के निर्णय से ही खेल को फाइनल में माना जाएगा। अगर एक और मैं सूचना करना चाहता हूँ, सभी पंचायत हो, अदर कोई भी हो, किसी बेटी की शादी हो, गरीब बेटिया को, तो मेरे तरफ से जितना सहयोग होगा उतना सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। पैसा से हो, गाड़ी से हो, सामान से हो, हर चीज से तैयार करने के लिए मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ।